तो नमस्कार फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने रसगुल्ला बनाया है, बना के सीमा पाउडर से रेडी कर लिया है। बहुत ही अच्छी बनी है जैसा कि आप सब देख सकते हैं, और बहुत ही मुलायम बना है। खाने में ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है खाने में फ्रेंड। और इस तरीके से मैंने बनाया है गुलाब जामुन, बहुत ही अच्छे बने हैं फ्रेंड। और ये रेसिपी अगर पसंद आती है आप सबको गुलाब जामुन की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड मेरे चैनल को, और दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड, कमेंट कर देना, और आगे हम बढ़ें इसके लिए आप मेरा सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड। यहाँ पर हम बनाने चल रहे हैं गुलाब जामुन सीमा पाउडर से, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। और राजेश का है ये, देख लीजिए, ये राजेश की पैकेट है, और बहुत महंगा नहीं मिलता है, लमसम 100 रुपये का मिलता है ये। और मज़े की बात तो ये है कि इसमें फिर जब इसको हम लोग छान बनाते हैं मारने के बाद में, तो इसमें 10 का सिक्का भी निकलता है, तो खुशी की बात है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे गुलाब जामुन बनाने चल रही हूँ। तो सीमा पाउडर मैंने यही लिया है, और इसमें एक चीज़ अगर हम मिला देते हैं तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन जाता है, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है फ्रेंड। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे चाशनी चढ़ा दी है, मैंने देखिए यहाँ पे चाशनी चढ़ा दिया है, और ये एक पैकेट सीमा पाउडर है, तो मैं एक नहीं बनाऊँगी, आधा बनाऊँगी, और आधा रख देंगे फिर बनाने के लिए। तो आधे के लिए मैंने यहाँ पर लमसम 3 पाव चीनी डाला है, और इस चाशनी को हम पकने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, हम दिखाते रहेंगे जब तक हम सीमा पाउडर को तैयार कर ले रहे हैं रसगुल्ला बनाने के लिए। और देखिए सीमा पाउडर यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं, और देखिए ये पैसा निकला ना, मैंने कहा था ना कि इसमें पैसा निकलता है, और ये देखिए 10 का सिक्का है, ये इसमें निकला है। तो ये सीमा पाउडर पड़ जाता है 90 का या 85 का, और ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा खाली कर लिया है। और यहाँ पे हम मिलाते हैं एक चीज़, ये है पनीर, तो ये 100 ग्राम पनीर है, यहाँ पे आधे सीमा पाउडर में डालेंगे। और आप चाहें तो इसे जो है कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मैं कद्दूकस नहीं करूँगी, ऐसे ही इसको साइड में करके हाथों से मिक्स कर लेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें सारा सामान मिला रहता है, फिर ये क्यों मिला रही हैं ऐसे, तो इसका मैं एक राज बताती हूँ कि हम क्यों मिला रहे हैं इसको। देखिए ये कद्दूकस के जैसे हो गया है पतला, तो इसका राज ये है फ्रेंड, चाहे तो आप खोया भी मिला सकते हैं और पनीर मिला सकते हैं, चाहे तो दोनों मिला सकते हैं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। तो इसमें देखिए हम इस तरीके से मिला लिए हैं, और इसका राज अब हम बता दे रहे हैं आप सबको कि क्यों मिलाना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जो लोग खाते हैं टेस्ट पता है उनको, ये वो सब लोग मिलाते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने पनीर यहाँ पे मिला लिया है, और ये जब हम लोग खाते हैं मुंह में, तो खाने के बाद में जैसे मुंह में रखते हैं, तो मुझे दाने दाने जैसा लगता है, जैसे कि खोया पड़ा हुआ हो, या मुँह में अच्छा लगता है खाने पर, ये स्वाद अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी और अच्छा आ जाता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं, और ज़रूर मिलाते हैं फ्रेंड, जब भी हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो ये ज़रूर मिलाते हैं। तो अब इसे हम गुनगुने दूध से जो है मिक्स करेंगे, और आप अगर आपके पास गुनगुना दूध नहीं है तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। तो बस हम यहाँ पर दूध इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे, और आप सब लोग इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। और देखिए ये हमने सीमा पाउडर को इस तरीके से मिक्स करके रख दिया है, अच्छे से मार लिया है इसको, और इसकी खूबी यही है कि जितना भी इसको मारा जाए इस तरीके से हाथों से, उतना ही अच्छा बनता है। तो इसको हम अब 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक के लिए हम आगे का काम शुरू करते हैं। एकदम फिट बन गई, एकदम तैयार है चाशनी रसगुल्ला के लिए,
देखिए बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है, इससे एक तार बन रहा है तो समझिए रसगुल्ला वाली गुलाब जामुन वाला चाशनी तैयार हो गया है यहाँ पे। और देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है, मुझे बहुत गर्म नहीं कढ़ाई करनी है, बिल्कुल धीमी आँच में डालना है ताकि ये अंदर तक पक जाए, और ज़्यादा तेज आँच रहेगी तो ये फिर ऊपर से तो पक जाएगा फ्रेंड लेकिन नीचे से ये नहीं पकेगा अंदर से, तो मुझे इसे धीमी आंच में पकाना है। देखिए ये धीमी आंच में अपने आप पकते रहेंगे और इनकी आंच हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, और ज़्यादा तेज से इसे हमें ज़्यादा ज़ोरों से चलाना भी नहीं है, घुमाना भी नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाना है। और देखिए ये पक गए हैं, अंदर तक पक गए हैं ये, और ज़्यादा मुझे नहीं पकाने हैं नहीं तो फिर ये जल जाएंगे। अभी इन्हें हम निकाल के इस तरीके से और डालते हैं चाशनी में। और ये आधा घंटा में लमसम सारी चाशनी इनमें सब सोख लेगा और ये सब गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा महक रहा है और पता नहीं आप सबको महक रहा कि नहीं। और अब मैंने यहाँ पे सारे डाल दिए हैं जितने बचे थे, बस इसे धीमी आंच में पकने देते हैं, इसका आँच हमने तेज नहीं किया है। और ये मैंने ये वाले रसगुल्ले भी बना लिए हैं और इसको भी हम डाल दे रहे हैं, और बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में ना, उतने ही अच्छे खाने में लगेंगे फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड सारे रसगुल्ले बनके हो गए हैं रेडी, तो इन्हें हम रख देंगे आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए ताकि ये सारे रस पी लें।